एक अपोनेंट को एक ही टेक्निक के अंदर, एक ही अटैक के अंदर निपटाना होता है। अगर हम उसे एक टेक्निक में नहीं निपटा दिए तो बाकी के तीन जो है हम पर भारी पड़ेंगे। मेरे चैनल कराटे किंग खान पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर 6 मिलियन से ज्यादा के व्यूज आए थे। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो मैंने टेक्निक दिखाई है, लोगों को लगा कि ये टेक्निक जो है शायद रिंग में फाइट करने की है, लेकिन ये टेक्निक रिंग में फाइट करने की नहीं, ये टेक्निक एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि अपने सामने वाले अपोनेंट के घुटने पर घुटना मारा जा रहा है, उसके बाद में उसी पैर से वापस दूसरे पैर के घुटने पर किक मार के उसको गिराया जा रहा है, और उसके घुटने को भी तोड़ा जा रहा है और उसके दूसरे पैर को भी तोड़ा जा रहा है। चलिए समझते हैं इस टेक्निक को किस प्रकार से हम अच्छे से एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ज्यादातर स्ट्रेट फाइट के अंदर आपने देखा होगा कि किक्स का इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि वो परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट होते नहीं है, वो सीखे हुए नहीं होते हैं मार्शल आर्ट्स, कराटे, किक बॉक्सिंग वगैरह, तो वो लोग किक्स का यूज कम करता है। वो लोग पंच का यूज ज्यादा करेंगे, थ्रोस ज्यादा करेंगे, गिराएंगे, पकड़ेंगे, बाल खींचेंगे, इस प्रकार की हरकतें स्ट्रीट फाइट के अंदर ज्यादा होती है। और अगर कोई किक मारने वाले होते भी हैं तो वो सिर्फ 10% होते हैं, वो अगर किक मारेंगे भी तो आपके फेस तक किक नहीं मार पाते, क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। वो किक मारेंगे तो आपके या तो थाई पे मारेंगे, शिन पे मारेंगे, या आपके ज्यादा से ज्यादा आपके पसलियों पर किक मारेंगे। तो जो पसलियों पर किक मारते हैं या जो थाइस पर किक मारते हैं, जो किक लो किक होती है, उस किक को किस प्रकार से ब्लॉक करके हम अटैक करेंगे, ये इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। मुय थाई मार्शल आर्ट्स और मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जब सामने वाला थाई किक का यूज करता है, आपका अपोनेंट जब थाई किक का यूज करता है तो पैर से उसकी थाई किक को रोका जाता है, जिसको कि किक चेक करना बोलते हैं। वो सेम लेग से होता है। अगर सामने वाला राइट किक मारता है तो लेफ्ट किक से उसको चेक किया जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, इस सेल्फ डिफेंस टेक्निक के अंदर थोड़ा सा चेंज है कि लेफ्ट लेग से चेक न करके अपने राइट लेग से उसके किक को चेक करेंगे और अपने किक सीधी उसके घुटने के ऊपर टच करेंगे, जिससे या तो हमारा घुटना टच होगा या हमारा शिन टच होगा। उसके बाद में जैसे उसकी किक के ऊपर हमारे शिन या हमारा घुटना टच होता है, उसके बाद के अंदर तुरंत उसी समय उसी पैर से दूसरे पैर के घुटने के ऊपर हम अटैक करेंगे और उसको रगड़ते हुए नीचे एंकल तक लेके जाएंगे, जिससे कि उसका पैर पूरा टूट जाएगा और ये टेक्निक बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट हो जाएगी। अगर इस टेक्निक की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू लगातार अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बेहतर टेक्निक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि स्ट्रीट फाइट के अंदर कोई अकेला आदमी आपसे फाइट करने नहीं आएगा, जिस प्रकार से रिंग के अंदर 1-on-1 फाइट होती है उस प्रकार से फाइट करने नहीं आएगा, या तो आपके सामने 2 आएंगे, 4 आएंगे या 4 से ज्यादा आएंगे। ऐसे में क्या होता है कि हमें हर एक अपोनेंट को एक ही टेक्निक के अंदर, एक ही अटैक के अंदर निपटाना होता है। अगर हम उसे एक टेक्निक में नहीं निपटा दिए तो बाकी के तीन जो है हम पर भारी पड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके हम उस फाइट को खत्म करें, क्योंकि कोई रिंग फाइट तो है नहीं कि दो दो राउंड के, दो दो मिनट के दो राउंड खेलेंगे या 3 मिनट के 5 मिनट के राउंड खेलेंगे। राउंड तो खेलना नहीं है वहां पे, क्योंकि वो लोग आपके साथ खेलने नहीं, आपको इंजर्ड करने आ रहे हैं। इसीलिए आप भी वही करेंगे जो वो आपके साथ करने आ रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी या दूसरों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।